नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, मैं विष्णु दांगी और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 रिवीजन क्लास में से क्लास नंबर 7। इससे पहले दोस्तों, हम लोगों की 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, हम लोगों को 10 क्लास कंप्लीट करना है। साथियों, इस क्लास में हम लोग मैथ, रीजनिंग एंड कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये क्लास आप लोगों के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप इस क्लास में हमारे साथ पूरी क्लास में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इस क्लास में आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। साथियों, यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इससे क्या होगा कि जब भी हमारी यहाँ पर क्लास होगी, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो पहला प्रश्न है, इसमें आप लोगों को दिए गए आंकड़ों की माध्यिका बताना है। प्यारे साथियों, मीडियन आप लोगों को यहाँ पर ज्ञात करना है। जिन भी मेरे साथियों ने पहले जो क्लासे देखी है, अगर उनमें आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो माध्यिका ज्ञात करना। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। माध्यिका कब पता कर पाएंगे प्यारे दोस्तों आप लोग? सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आप लोगों को आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम में इनको जमाना पड़ेगा। आरोही क्रम का मतलब होता है प्यारे दोस्तों बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर पहले लिखोगे तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? -5। -5 सबसे छोटा है तो -5 को लिखेंगे। उसके बाद -5 से छोटा हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो -5 से छोटा हम लोगों को यहाँ पर -3 दिखाई दे रहा है, -3 को लिखा। -3 के बाद हम लोग लिखेंगे -2 को, -2। उसके बाद हम लोगों को लिखना होगा -2 के बाद, माइनस वाले सारे नंबर यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुए। अब प्लस वाले की ओर चलते। प्लस में सबसे छोटा है दोस्तों 0। 0 यहाँ पर सबसे छोटा है। फिर उसके बाद हम लोगों को लिखना होगा 0 से बड़ा है यहाँ पर 1। 0 से बड़ा 1 है और 1 से बड़ा यहाँ पर हमारे पास निकल कर आया, 1 से बड़े हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4। दो बार के यहाँ पर 4 है, दोनों बार के 4 हमें लिख लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5। 4 के बाद प्यारे दोस्तों 5 दिखाई दे रहा है। 5 के बाद आप लोगों को लिखना होगा 7 और 7 के बाद यहाँ पर लिखा है 10। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को करना कुछ नहीं, यहाँ पर दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। अभी आंकड़े टोटल कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आंकड़े प्यारे दोस्तों। तो हमें 4 4 आंकड़े दोनों साइड कंप्लीट छोड़ देना है। चार आंकड़े चार डाटा इधर छोड़ दिए हम लोगों ने, ये 0 तक इधर छोड़ा और इसी प्रकार चार नंबर को इधर छोड़ा। तो दोनों साइड बराबर छोड़ने के बाद आप लोगों को अब माध्यिका निकालना है। तो प्यारे साथियों, माध्यिका का मतलब होता है मध्यिका नंबर, बीच वाला नंबर ही हमारा माध्यिका है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो बचे हुए नंबर हैं 1 और 4 बचा। 1 प्लस 4 को जोड़ा और बटे में 2 किया, ये दो आंकड़े हैं। तो यहाँ पर बनेगा 5/2 और 5 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ बनेगा 2.5। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन होगा यहाँ पर माध्यिका। अगला प्रश्न हमारे सामने दोस्तों, एक वस्तु को 2% तथा 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है तो विक्रय मूल्यों का अनुपात बताओ। तो सिंपल प्रश्न है प्यारे दोस्तों, अगर कोई भी 100 रुपये का सामान है, अगर उसे हम 2% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो उसका हम लोग 102% निकालेंगे और 102% निकालने से उस वस्तु का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, विक्रय मूल्य हमारे पास आ जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, 2% लाभ की बजाय यदि उसे 12% लाभ पर बेचा जाए तो 100 रुपये का सामान 12% लाभ पर 112% निकालेंगे तो भी उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 12% लाभ वाला। अब इन दोनों सेलिंग प्राइस यानी इन विक्रय मूल्यों का आप लोगों को अनुपात बताना है, क्योंकि क्वेश्चन ने विक्रय मूल्यों का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली ये 0 से 0, यहाँ भी 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करना। अब दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो आप लोग कैसे निकालोगे? इसे 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, इसी प्रकार अनुपात बनाएंगे। 2 से यहाँ 5 टाइम 2 5 जा 10 होगा और 2 6 जा 12 होगा। तो 51:56 इस वस्तु के विक्रय मूल्यों का अनुपात बनेगा, 51:56। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला देखिए प्यारे दोस्तों राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने,
अगला प्रश्न हमारे सामने है, सरल कीजिए। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, सरल कीजिए, तो बहुत आसान तरीके से इसे हम लोग सरल करने वाले हैं। प्यारे साथियों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास आप लोग एक बार सभी लाइक कर दो और एक बार क्लास को सभी शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो प्यारे दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आप लोगों को सरल करना है तो क्या करोगे, 5x माइनस ये जो 2x दिख रहा है प्यारे दोस्तों, माइनस 2x का गुणा इस कोष्टक में अंदर करना है, तो माइनस 2x का मल्टीप्लाई पहले आप 1x से करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर बनेगा, फिर इस माइनस 2x का गुणा माइनस 1 से करोगे तो प्यारे दोस्तों माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बन जाएगा 2x, प्लस का 2x बन जाएगा। अब आपको क्या करना प्यारे दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है 5x प्लस का और 2x प्लस का, तो यहाँ पर बनेगा 7x, 5x प्लस 2x 7x बनेगा और माइनस का 2x स्क्वायर। तो क्या ऐसा आप लोगों को ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 7x माइनस 2x स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी को देखिए प्यारे साथियों, इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपके सामने रहा, सरल कीजिए, 25 की पावर 3/2 है, इसको सरल करना है तो प्यारे साथियों इसके लिए 25 को आप लोगों को क्या करना होगा, 25 को आप लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर 25 होता है और इस पूरे की पावर लगा है 3/2। प्यारे दोस्तों आप सभी जानते होंगे घातांकर्णी रूल, तो कि यदि घात की भी घात लगी हो तो इन घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 की पावर 2 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 से। तो प्यारे दोस्तों यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, अब 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 यानी 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, या फिर 5 का क्यूब होता है 125। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट उत्तर बनेगा 125 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यदि आप लोगों ने छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ इस क्लास के माध्यम से आप लोगों का एक बार फिर से सारा रिवीजन आपने जो पढ़ रखा वो मजबूत होगा, सारी पुरानी यादें लौटकर आपकी आने लगेंगी, इसलिए पूरी क्लास में आप लोगों को अंत तक बने रहना। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपके सामने है, 80 मीटर मल्टीप्लाई 40 मीटर माप वाले एक आयताकार प्लॉट के चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा लॉन बनाया जाता है, प्लॉट का कुल क्षेत्रफल क्या है। प्यारे साथियों यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों को बस पढ़ने की जरूरत है कि दिया क्या है। यहाँ पर 80 मीटर लंबाई है और 40 मीटर चौड़ाई है। प्यारे दोस्तों एक आयताकार प्लॉट है, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि एक आयताकार प्लॉट है इस प्रकार का, इस आयताकार प्लॉट की लंबाई है हमारे पास 80 मीटर और इस प्लॉट की जो चौड़ाई है प्यारे दोस्तों ये है 40 मीटर। यहाँ पर कहा जा रहा है चारों तरफ इसके 5 मीटर चौड़ा लॉन बनाया जाता है। प्यारे साथियों इसके चारों तरफ 5 मीटर का चौड़ाई है, सब दूर 5 मीटर की चौड़ाई है। प्यारे साथियों आप लोग समझ जाइएगा, 5 मीटर यहाँ भी 5 मीटर चौड़ाई है, यहाँ भी 5 मीटर चौड़ाई है और यहाँ पर भी 5 मीटर चौड़ाई है और यहाँ पर भी 5 मीटर चौड़ाई, सब दूर 5-5 मीटर चौड़ा लॉन बनाया जाता है, प्लॉट का कुल क्षेत्रफल बताना है। प्यारे साथियों आप लोगों को इसके लिए क्या करना है, इस लॉन का क्षेत्रफल बताना। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंट है, हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, तो पहले हम लोगों को क्या करना है, ये जो बाहर आप लोगों को ये आयत जो दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल। तो पहले इसके लिए बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल के लिए इसकी करेंगे हम लोग लंबाई गुणा चौड़ाई। तो प्यारे साथियों आपको इसके लिए इस बाहर वाले की लंबाई चाहिए, तो बाहर वाला 5 मीटर इधर लंबा है और 5 मीटर इधर ज़्यादा लंबा है, यानी टोटल 80 मीटर से कितना लंबा है, तो 80 में 10 और जोड़ेंगे प्यारे दोस्तों, 80 10 होता है 90, 90 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी और इसी प्रकार इसकी जो चौड़ाई बनेगी 5 इधर लंबा चौड़ा बनेगा और 5 इधर, इस प्रकार 10 मीटर और चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी अंदर वाले से, तो 40 में 10 जोड़ेंगे तो प्यारे दोस्तों हो जाएगा 50, 40 और 10 50, तो ये तो बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल आ गया लंबाई गुणा चौड़ाई, इसमें से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अंदर वाले की जो लंबाई है 80 है और चौड़ाई जो है प्यारे दोस्तों 40 है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, 4500 माइनस यहाँ पर 800 को 3200 को माइनस कर देना है,
तो अब जो बचेगा प्यारे दोस्तों वो हमारे पास जो ये लॉन है, सिर्फ इस लॉन का ये वाला बाहर वाला ये वाला क्षेत्रफल हमारे पास बच जाएगा। लॉन का क्षेत्रफल, लॉन का क्षेत्रफल कितना बचेगा, तो 4500 में से आप लोगों को 3200 माइनस कर देना है, जीरो बचेगा और यहाँ पर भी जीरो बचेगा और यहाँ पर 5 माइनस 2 3 होगा और 4 माइनस 3 1 होगा। तो प्यारे साथियों 1300 मीटर वर्ग ये जो क्षेत्रफल बचा, ये बाहर जो लॉन है 5 मीटर चौड़ा इसका क्षेत्रफल है, लॉन का क्षेत्रफल यहाँ पर आपके पास निकल कर आ जाएगा 1300 मीटर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 को देखिए। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न को लाना बहुत आसान था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, रहीम ने 15 मिनट की देरी से अपनी यात्रा शुरू की जिसके कारण अपने गंतव्य समय से पहुंचने के लिए उसे 45 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलानी पड़ी, इस यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बताओ। तो प्यारे साथियों अगर वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी चलाता है, तो प्यारे साथियों उसका जो दोनों समय का अंतर आता है वो 15 मिनट आता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सभी जानते हैं समय का फॉर्मूला तो आप सबको याद होगा, समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यदि प्यारे साथियों अगर वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी चलाएगा तो दूरी बटे चाल करेंगे तो ये आएगा समय, तो ये समय थोड़ा ज़्यादा होगा। कम स्पीड में गाड़ी यदि चलती है तो समय ज़्यादा होता है, और यदि इसी दूरी को तय करने के लिए, इसी डिस्टेंस को तय करने के लिए यदि वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी चलाता है तो समय कम लगेगा, और इन दोनों समय का जो अंतर बताया प्यारे साथियों 15 मिनट बताया। अब 15 मिनट को हम लोगों को क्या करना होगा, 60 से डिवाइड कर देंगे जिससे ये भी घंटे में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी स्पीड थी वो किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इनका एलसीएम लेना होगा 45 और 54 का। तो प्यारे साथियों यहाँ पर मैं आराम से 45 और 54 का एलसीएम लेते हैं कि आया कितना है, 45 और 54 का जो एलसीएम लेते हैं 9 से कैंसिल आउट करता हूँ, 9 5 45 9 6 54, यहाँ पर 5 से 1 टाइम कटेगा और यहाँ 6, अब डायरेक्ट 6 से काट सकते हैं, 6 5 30 होगा प्यारे दोस्तों, और 30 × 9 270 यहाँ पर एलसीएम आया। 45 को 270 के साथ डिवाइड करेंगे सिक्स टाइम डिवाइड होगा तो यहाँ पर बनेगा 6D माइनस, आप लोगों को 54 से 270 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 टाइम होगा और 5 का D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5D बनेगा, ये तो आप समझ चुके होंगे, बराबर यहाँ पर आएगा 15/60। अब आपको क्या करना है, 5D में से माइनस कर लेना है, 6D में से माइनस कर लेना है 5D को, तो यहाँ पर सिर्फ 1D बचेगा और बराबर ये भाग से इधर जाएगा तो प्यारे दोस्तों गुणा में चला जाएगा, यानी 15 बनेगा 60 और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 270, या 10 से 10 कैंसिल आउट आप लोगों को करना होगा, 3 × 2 = 6 होगा और यहाँ पर 3 × 5 = 15। अब आपको क्या करना है, डी बराबर निकालने के लिए 5 का मल्टीप्लाई 27 से करोगे, 5 × 7 = 35 और कैरी 3 होगा, 5 × 2 = 10 और 3 = 13 135/2 यहाँ पर 2 होगा, और डिस्टेंस जो बराबर आएगा 2 का ऊपर डिवाइड करेंगे, 2 × 6 = 12 और यहाँ पर बचा 1, 2 × 7 = 14 और कैरी 1 बचा प्यारे साथियों, और 2 × 5 = 10 यानी 67.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था। तो यहाँ पर सिंपली करना कुछ नहीं है, दोनों समय का अंतर आप लोगों को लेना है जिससे आपका डिस्टेंस निकल कर आएगा 67.5, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्यारे दोस्तों, कथन और निष्कर्ष, आप लोगों को क्या करना है, ये कथन पढ़ने हैं दोनों, और कथन को कथन के अनुसार दिए गए दोनों निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कथन के अनुसार हम लोगों को डायग्राम बनाना होगा, कुछ ग्राफ मेजे हैं कुछ ग्राफ अंक हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर ग्राफ और मेज
एक डायग्राम हमारे पास ग्राफ का बनाएंगे हम लोग। कुछ ग्राफ मेजे है तो ग्राफ का कुछ हिस्सा हम लोगों को बनाना होगा मेजे। अब यहाँ पर आगे क्या बताया, कुछ ग्राफ अंक हैं, कुछ ग्राफ और अंक के बारे में कुछ का रिलेशन बताया गया। कुछ ग्राफ अंक हैं तो कुछ ग्राफ प्यारे दोस्तों अंक बना लेंगे। इस प्रकार से ये डायग्राम यहाँ पर बनेगा। ग्राफ और मेज के बारे में कुछ का केस बोला है प्यारे दोस्तों, और ग्राफ और अंक के बारे में भी कुछ का संबंध यहाँ पर बताया है। लेकिन अंक और मेज का यहाँ पर कोई कथन ने ना हमें कोई एनालिसिस नहीं किया है। अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। कुछ मेजे अंक हैं, क्या मेज और अंक के बारे में कथन में कुछ बोला गया था? ना तो कुछ का होने का संबंध बताया, ना ही ना होने का बताया प्यारे दोस्तों। तो जो बात कथन में नहीं कही गई है वो आप लोगों को क्या करना है, वो वाला निष्कर्ष गलत ही मानना है। तो पहला गलत होगा, कुछ मेज अंक नहीं है। तो प्यारे साथियों, मेज और अंक के बारे में होने का भी नहीं बोला और ना ही ना होने का बोला, इसलिए जो कथन में ना बोला वो डेफिनेटली गलत होता है। यानी इसका ना तो फर्स्ट अनुसरण करेगा और ना ही सेकंड, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर होगा। प्यारे दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में आप लोगों को बोला गया विषम की पहचान करें। प्यारे दोस्तों आप लोगों को अगले प्रश्न में विषम की पहचान करना है। प्यारे दोस्तों विषम का मतलब होता है जो डायग्राम जैसे 1, 2, 3, 4 आप लोगों को दिया गया, इनमें आपको विषम मतलब अलग बताना है। इन सबसे अलग क्या है, इन चारों में अलग कौन सा है? तो प्यारे साथियों आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, डी वाला राइट आंसर होगा। डी किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए वाले में। अब बात कर लेते हैं कि विषम क्यों है। प्यारे साथियों ये सभी संख्याओं के दर्पण प्रतिबिंब आपको दिए गए हैं। ये 3 का दर्पण प्रतिबिंब है और इसी प्रकार ये भी 9 का दर्पण प्रतिबिंब है। लेकिन प्यारे साथियों जो 7 है ये ना तो कोई दर्पण प्रतिबिंब ना जल प्रतिबिंब, 7 को सिर्फ 7 लिख कर दिया, इसलिए ये विषम होगा यानी अलग होगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी सेम है आप लोगों के सामने, विषम आपको बताना है। विषम का मतलब इन सब में अलग क्या होगा? तो प्यारे साथियों ए वाले को देखते, जैसे AET और AET का मतलब A1 पर आता है, E5 पर आता है और T20 नंबर पर आता है। इसी प्रकार A1 पर आता है, फिर यहाँ पर U21 नंबर पर आता है और B2 नंबर पर आता है। यहाँ पर देखिए फिर से A1 पर, G7 पर और B2 नंबर पर, और A1 पर, C3 पर और B2 नंबर पर यहाँ पर प्यारे साथियों आता है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से तो कोई भी ये विषम नहीं है, तो ये किस अकॉर्डिंग विषम हो सकते हैं? तो पहले हम बात करते हैं। देखो प्यारे साथियों यहाँ पर हुआ क्या, A के साथ AET, यहाँ भी A दिया AUB और यहाँ पर भी दिया AGB और ACB, मतलब प्यारे साथियों इन ऑप्शन में A और B दिया, यहाँ भी AB दिया और यहाँ पर भी ए और बी दिया। लेकिन प्यारे दोस्तों जो ए वाला ऑप्शन में ए और टी दिया, इसलिए ये वाला विषम होगा, यानी ए वाला यहाँ पर विषम होगा और ए दिया ए वाले ऑप्शन में, ए वाला राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत है कि इसमें हो क्या रहा है, कि किस प्रकार विषम है, किस तरह से अलग हो सकता है, थोड़ा माइंड लगाने की जरूरत है। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे। अगले प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित चित्रों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। प्यारे साथियों यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि जो आयत है वो अविवाहितों को प्रदर्शित करता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको पहचानना होगा कि आयत क्या होगा। ये वाला आयत जो दिया है ये अविवाहित, यहाँ पर लिख लेंगे अविवाहितों को प्रदर्शित करता है। आगे यहाँ बोला गया कि जो वर्ग है यानी स्क्वायर जो होगा वो दिल्ली महानगर को प्रदर्शित करता है। जो प्यारे दोस्तों ये वाला वर्ग दिया ये दिल्ली महानगर को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं दिल्ली महानगर। इस वाले डायग्राम के अंदर जितने भी नंबर हैं ये सभी दिल्ली महानगर में हैं। और आगे यहाँ पर लिखा है वृत्त जो होगा अंग्रेजी भाषा के बोध को व्यक्त करता है। ये जो वृत्त आपको दिखाई दे रहा है ये अंग्रेजी भाषा, इसके अंदर जितने भी लोग होंगे ये सब अंग्रेजी भाषा को बोलने वाले हैं। आगे हम लोग समझते हैं क्या लिखा है।
त्रिभुज जो होगा वो शिक्षकों को व्यक्त करता है, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है ये शिक्षकों को दर्शाता है, शिक्षकों को दर्शाता है प्यारे दोस्तों, शिक्षकों, तो आपको समझना है यहाँ पर ये शिक्षकों को दर्शा। अब प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अविवाहित जो ना ही शिक्षक हैं और ना ही दिल्ली में रहते हैं तथा जिन्हें अंग्रेजी भाषा का बोध है वो निम्न क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित करता है, मतलब आप लोगों को ऐसा क्षेत्र बताना है जो अविवाहित है, मतलब जो आयत के अंदर तो आता है, जो शिक्षक नहीं है, जो ना ही शिक्षक, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल के अंदर नहीं होना चाहिए, और ना ही दिल्ली महानगर, मतलब जो आपका वर्ग के अंदर भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन, जिन्हें अंग्रेजी भाषा का बोध होना चाहिए, मतलब वो वृत्त के अंदर होना चाहिए, तो प्यारे साथियों आप लोगों को ऐसे डायग्राम का अंक बताना जो सिर्फ आपका आयत में हो, और उसके बाद जो सिर्फ वृत्त के अंदर हो, ऐसा जो अंक है प्यारे साथियों सिर्फ और सिर्फ वो चार है, ऐसा जो अंक आपको दिखाई दे रहा वो सिर्फ और सिर्फ चार है, जो चार वृत्त में भी है और आयत में भी है, ये चार जो है प्यारे साथियों ना तो ट्रायंगल के अंदर आता है ना ही वर्ग के अंदर आता है, मतलब अविवाहित है चार आदमी जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डी वाला आंसर। अब आगे के जो सारे प्रश्न है प्यारे दोस्तों वो सारे करंट अफेयर्स के, सारे प्रश्नों को आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है, और कमेंट्स में आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करना है प्यारे साथियों। इस करंट अफेयर्स के माध्यम से आप लोगों का स्टैटिक जीके का पोर्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना, और ये क्लास, ये करंट अफेयर्स का सेशन आपको कैसा लगता है साथियों, यदि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है, तो हम और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर्स के ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न की ओर। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर में बनाया जाएगा, मतलब प्यारे साथियों दुनिया का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर कहाँ बनाया जाएगा, तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूनाइटेड किंगडम। प्यारे साथियों यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड को बोला जाता है, इंग्लैंड, इंग्लैंड को बोला जाता है प्यारे दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम में दुनिया का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा। प्यारे साथियों ये जो सुपर कंप्यूटर होगा ये क्या करेगा, अत्यधिक तूफान, बाढ़ और बर्फ सहित गंभीर मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, मतलब प्यारे साथियों जो ये सुपर कंप्यूटर होगा ये हमें तूफान, बाढ़ और बर्फ इनसे रिलेटेड पहले ही पूर्वानुमान लगा कर देगा, तो ये आपको याद रखना है यूनाइटेड किंगडम में बनाया जा रहा है प्यारे दोस्तों। आगे अगर बात करूँ इस सुपर कंप्यूटर को यूनाइटेड किंगडम में माइक्रोसॉफ्ट, एक ये दो कंपनियाँ हैं, एक तो माइक्रोसॉफ्ट और एक मेट ऑफिस, ये दोनों कंपनियाँ इसका निर्माण कर रही हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट और मेट ऑफिस भी आप याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनाइटेड किंगडम को समझते हैं। यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है प्यारे दोस्तों लंदन, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन, और यूनाइटेड किंगडम की जो मुद्रा है यानी करेंसी जो है प्यारे साथियों पाउंड स्टर्लिंग, इंग्लैंड की जो मुद्रा है वो पाउंड स्टर्लिंग है, और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वर्तमान में ये है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन दोस्तों महत्वपूर्ण है, ये नया इनका अपॉइंटमेंट है, नए प्रधानमंत्री बने, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो बोरिस जॉनसन इनका नाम आपको याद रखना है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयुष्मान भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आप लोगों को बताना है। आयुष्मान भारत जो योजना है प्यारे साथियों इसके बारे में ये जो दो कथन दिए गए, पहला और दूसरा, इनमें से सही कथन आपको बताना है। तो क्या आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है, या फिर आयुष्मान भारत योजना 2019 में शुरू की गई थी,
सही कोड का चयन करना है, क्या पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, या पहला और दूसरा दोनों सही होगा, या फिर दोनों ही सही नहीं होंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला तो हमारा सही है, लेकिन दूसरा हमारा गलत होगा। प्यारे दोस्तों, 2019 में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। ओनली वन ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। 2019 में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी प्यारे साथियों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2018 में। आयुष्मान भारत जो योजना है प्यारे साथियों, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2018 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और अति महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो झारखंड का जो रांची है प्यारे साथियों, झारखंड की राजधानी है रांची, यहाँ से इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका जो उद्देश्य प्यारे साथियों वो आपको याद रखना है, प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना इसका उद्देश्य है प्यारे साथियों। हेल्थ कवर देना ही इस योजना का उद्देश्य है। तो इतनी डिटेल आप लोगों को इस प्रश्न से याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, हाल ही में कृष्णमूर्ति संथानंद का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे। प्यारे साथियों, कृष्णमूर्ति संथानंद आपको याद रखना, इनका हाल ही में निधन हुआ है और इनका क्षेत्र पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, कृष्णमूर्ति जो संथानंद थे वो DRDO के साथ जुड़े थे। DRDO से इनका रिलेशन था प्यारे साथियों। आगे समझते इस प्रश्न के बारे में कि हाल ही में परमाणु वैज्ञानिक, प्यारे साथियों DRDO में ये परमाणु वैज्ञानिक थे आपको याद रखना है। इनका नाम है कृष्णमूर्ति संथानंद और इनका हाल ही में हो गया निधन। आगे बढ़ते प्यारे साथियों, इन्होंने क्या करा, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया और इनके इसी योगदान के लिए ये याद किए जाते हैं कृष्णमूर्ति संथानंद। आगे बात करें प्यारे साथियों, वह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी जो DRDO प्यारे साथियों, परमाणु ऊर्जा विभाग और रक्षा अध्ययन और विश्लेषण के लिए संस्थान सहित कई संगठनों से जुड़े थे। प्यारे साथियों, DRDO में इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया है, इसलिए इनको याद किया जाता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्यारे साथियों, यहाँ पर नाम आया डिफेंस DRDO का। DRDO के बारे में हम समझते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का गठन आपको याद रखना है कि इसका गठन कब हुआ, तो 1958 आपको बताना होगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है DRDO का, तो नई दिल्ली में। जो DRDO का हेडक्वार्टर है साथियों, न्यू दिल्ली में। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो G. सतीश रेड्डी है। DRDO के वर्तमान में जो अध्यक्ष है प्यारे साथियों, G. सतीश रेड्डी का नाम आपको याद रखना है। DRDO का सिद्धांत है, संस्कृत में इसका सिद्धांत है प्यारे साथियों, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम। और इसे हिंदी में कहा जाता है प्यारे साथियों, शक्ति की उत्पत्ति ज्ञान में है। अगर आपके पास ज्ञान है प्यारे साथियों, तो बहुत बड़ी शक्ति आपके पास है। तो इस प्रश्न से इतना आप लोगों को याद रखना है प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। प्यारे साथियों, RBI के डिप्टी गवर्नर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिप्टी गवर्नर RBI के नए चुने गए, तो किसे चुना गया ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा टी रविशंकर को हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है। प्यारे साथियों, जो टी रविशंकर हैं, इन्होंने BP कानूनगो का स्थान लिया। ये किनके स्थान पर आए, तो BP कानूनगो के स्थान पर इन्होंने ये आए हैं, RBI के एक गवर्नर। RBI में होता है क्या प्यारे साथियों, एक तो गवर्नर होता है और चार उप गवर्नर होते प्यारे साथियों। और टी रविशंकर जो आए हैं, इन चार में से BP कानूनगो का स्थान ये लेंगे। आगे अगर बात करें
कि आरबीआई में एक तो टी रविशंकर हो गए अब नए, और तीन और कौन बच गए प्यारे साथियों, उप गवर्नर, तो माइकल डी पात्रा, इनका नाम याद रखना, एक और याद रखना मुकेश कुमार जैन, और याद रखना राजेश्वर राव, राजेश्वर राय, ये तीन तो ये और एक आ गए टी रविशंकर, ये चार उप गवर्नर हैं। तो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है प्यारे साथियों कि इनमें से कौन आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर है या नहीं है। आगे अगर बात करें आरबीआई के बारे में कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके जो पहले गवर्नर बने थे प्यारे साथियों वो थे ओसबर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर अगर पूछा जाए तो ओसबर्न स्मिथ बताना है। अगर पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, यानी 1935 में देश आज़ाद नहीं था, तो 1947 के बाद जब बने थे वो थे सीडी देशमुख। तो प्यारे साथियों सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कहलाए, तो ध्यान यही रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है प्यारे साथियों शक्तिकांत दास हैं, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं। आगे अगर कुछ और क्वेश्चन फैक्ट के बारे में बात करूं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949। आपको बताना है अगर पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है प्यारे साथियों, 3 वर्ष का आरबीआई का गवर्नर का कार्यकाल होता है। आगे अगर और मैं बात करूं प्यारे साथियों अति महत्वपूर्ण बात कि आरबीआई के वह गवर्नर जो भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रहे और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, तो इनका नाम आपको बताना है मनमोहन सिंह। प्यारे साथियों मनमोहन सिंह जी जो थे ये भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रहे और आरबीआई के गवर्नर भी ये रह चुके हैं। तो इस प्रश्न से आप लोगों को प्यारे साथियों इतना याद रखना है। आगे अगर बात करें बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, चावल भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको बताना है इनका नाम रमन मीनाक्षी सुंदरम। प्यारे साथियों मीनाक्षी सुंदरम जो हैं वो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक पद पर नियुक्त हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। प्यारे दोस्तों अगर आगे बात करें मीनाक्षी सुंदरम इससे पहले फसल सुधार अनुभाग में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत थे। तो प्यारे साथियों अब ये बन गए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक। आगे अगर बात करें मीनाक्षी सुंदरम जो है प्यारे साथियों, मीनाक्षी सुंदरम ने जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद में चावल की एक बेहतर सामा मैसूरी उपज की भी खोज की है। प्यारे साथियों चावल जो है उसकी एक किस्म है, इसका नाम है सामा मैसूरी, इस उपज की भी खोज की है। इनका नाम आपको याद रखना मीनाक्षी सुंदरम, और ये बन गए वर्तमान में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक। आगे अगर बात करें प्यारे साथियों जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों कटक में आप लोगों को बताना, कटक उड़ीसा में है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन से इतना आपको याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। प्यारे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे प्यारे साथियों जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो इनका नाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनका नाम है प्यारे साथियों वी कल्याणम। इनका नाम आपको याद रखना दोस्तों वी कल्याणम, वी कल्याणम महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव भी थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो वी कल्याणम आपको याद रखना है। 1943 1943 से 1948 तक ये महात्मा गांधी जी के निजी सचिव रहे थे। प्यारे साथियों याद रखना इनका नाम बड़ा महत्वपूर्ण है वी कल्याणम, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और आगे अगर बात करें
वी कल्याणम जो थे प्यारे साथियों, बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में कुशलता हासिल की। आगे अगर आपको बात करें तो गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्रों पर वी कल्याणम के हस्ताक्षर हुआ करते थे, यानी प्यारे साथियों जो महात्मा गांधी जी हैं वो कुछ पत्र अगर लिखते थे तो उन पत्रों पर वी कल्याणम जी के हस्ताक्षर भी हुआ करते थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव ये रह चुके हैं। तो प्यारे साथियों इस क्लास से आप लोगों को इतना याद रखना है और आज की क्लास हम लोग में इतना ही पढ़ेंगे आज की क्लास में हम लोग। और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगती है तो साथियों क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, आपके एक लाइक शेयर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों इस क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम में प्राप्त हो जाएगी। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, लिंक पर जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले जिससे आपको सभी क्लासेस की PDF वहाँ प्राप्त हो सकेगी। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो प्यारे साथियों फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।